नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे जिला चंबा की। तो जिला चंबा से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि चंबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, राजा मारू के द्वारा की गई थी 550 ईस्वी में, और राजधानी राजा मारू के द्वारा बनाई गई थी। जो प्रारंभिक राजधानी थी चंबा रियासत की, वे थी ब्रह्मापुर। इस ब्रह्मापुर को आज भरमौर के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक क्वेश्चन और बनता है कि भरमौर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो ब्रह्मापुर। और देखिए, राजा मारू और राजा मेरुबर्मन अलग अलग हैं, क्योंकि देखिए जो बर्मन जो सरनेम है वो आदित्य बर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। तो आदित्य बर्मन संस्थापक तो नहीं थे रियासत के, यानी कि वो बाद में राजा बने होंगे। तो यानी कि जो रियासत का संस्थापक होगा उसका सरनेम बर्मन तो नहीं होगा, तो राजा मारू थे। और अगर मैं मेरु बर्मन भी की भी बात करूं, तो वो देखिए 900 ईस्वी के करीब गद्दी पर बैठे हैं, तो वो संस्थापक तो नहीं थे। तो ये राजा मारू, परंतु आपके देखिए बुक्स में राजा मेरु बर्मन ही दे रखा होगा। और अगर आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे उसमें अगर राजा मेरु बर्मन ही दे रखा होगा, तब आप उस पर ही टिक लगा कर आएंगे। वैसे जो एग्जैक्ट होगा वो होगा राजा मारू। और देखिए, एक बार राजधानी बदली गई है। पहली तो थी ब्रह्मापुर, उसके बाद चंबा, वो बदली गई है साहिल बर्मन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा ने सर्वप्रथम बर्मन की उपाधि धारण की, तो आदित्य बर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान चंबा रियासत में महामारी फैली थी, तो लक्ष्मी वर्मन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी। देखिए, वो था चंबा रियासत, अब है चंबा शहर। तो चंबा शहर की स्थापना की गई थी साहिल बर्मन के द्वारा 920 ईस्वी में, और राजधानी साहिल बर्मन के द्वारा बदल दी गई थी ब्रह्मापुर से चंबा। और देखिए, चंबा शहर यानी कि चंबा का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो साहिल बर्मन की एक पुत्री थी चंपावती, उसके नाम पर नाम चंबा पड़ा है। और देखिए, ब्रह्मापुर आधुनिक भरमौर का प्राचीन नाम था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी धार चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा बनाती है, तो दगानी धार। दगानी धार जो हमने बिलासपुर में पढ़ी थी वो क्या थी, दानवी। ये क्या है, दगानी धार। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला को का जो मुख्यतः विस्तार है वो किस जिले में है, तो चंबा में है। जिस प्रकार मैंने कहा था कि शिवालिक कौन सा जिला पूर्णतः शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत पड़ता ऊना, उसी तरह पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का जो मुख्यतः विस्तार है वो चंबा जिला में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राजा ने सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया, तो गणेश बर्मन। इससे पहले देखिए बर्मन सरनेम लगता था, आदित्य बर्मन ने बर्मन उपाधि धारण की थी। अब देखिए, गणेश बर्मन के बाद जितने भी राजा होंगे उनका जो सरनेम होगा वो क्या होगा, सिंह। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो पत्थर जो अभिलेख थे डिबरी कोठी और सेंचुनाला से जो प्राप्त हुए थे, ये स्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, चंबा में। और देखिए, ये दोनों पत्थर अभिलेख किस राजा से शासनकाल से संबंधित हैं, तो ललित बर्मन से। प्रश्न एक और तरीके से भी पूछा जाता है कि डिबरी कोठी और सेंचुनाला पत्थर, सॉरी पत्थर नहीं आएगा, सेंचुनाला अभिलेख किस प्रकार के अभिलेख है, तो ऑप्शन होगा आपको ताम्र अभिलेख, पत्थर अभिलेख, लकड़ी से बने अभिलेख, कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन होंगे। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पत्थर अभिलेख। ये क्या है, पत्थर अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबा शहर में पानी आपूर्ति के लिए किस रानी ने बलिदान दिया था, तो नैना देवी ने बलिदान दिया था चंबा शहर में पानी की आपूर्ति के लिए। और नैना देवी साहिल बर्मन की पत्नी थी, और नैना देवी की स्मृति में ही की याद में ही सूही मेला लगाया जाता है, जहाँ पर सिर्फ महिलाओं और बच्चों को आने की अनुमति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबा रियासत का अंतिम शासक कौन था, तो देखिए किसी भी रियासत का संस्थापक और अंतिम शासक आपको 100% याद होना चाहिए, तो अंतिम शासक था लक्ष्मण सिंह। चंबा का नाम साहिल बर्मन की पुत्री चंपावती के नाम पर पड़ा है, ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंबा का कौन सा मेला है जिसमें सिर्फ औरतों और बच्चों को ही आने का आज्ञा होती है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, सूही मेला, जो कि अप्रैल महीने में लगता है। किसने साहिल बर्मन को 10 पुत्रों एवं एक पुत्री का पिता बनने का वरदान दिया था, तो ये दिया गया था जोगी चरपटनाथ के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था, तो चंबा। चंबा रियासत के देखिए बहुत प्राचीन समय से अपनी मुद्रा प्रचलित थी, और ये तांबे का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथीदार स्थित है, तो हाथीदार चंबा में स्थित है। लॉर्ड कर्जन प्रथम बार चंबा कब आए, तो 1900 ईस्वी में आए। और लॉर्ड मयो चंबा कब आए पहली बार, तो 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि शतराड़ी स्थित शक्ति देवी मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था, तो मेरु बर्मन ने करवाया था। और लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण भी मेरु बर्मन के द्वारा ही करवाया गया था, और मेरु बर्मन कब गद्दी पर बैठा था, तो 980 ईस्वी में। तो नौ शतराड़ी स्थित शक्ति देवी मंदिर, तो शक्ति देवी मंदिर कहाँ, तो चंबा में। चंबा में भी कहाँ, शतराड़ी। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है कि चंबा रियासत के किस शासक ने औरंगजेब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। तो देखिए आदेश क्या था, औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था जिसे चतर सिंह ने मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नवाला त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गद्दी जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिंजर मेला चंबा में किस मैदान पर लगता है। तो देखिए चौगान मैदान पर लगाया जाता है, अगस्त महीने में लगता है। और आपको बता दूं कि जो जो मिंजर मेला जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, देखिए मेला कौन किस स्तर का जो भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेला शुरू किया गया था साहिल बर्मन के द्वारा। इसमें चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर से एक और प्रश्न बनता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है। तो 6 मंदिरों का समूह है। अब हम बात करेंगे चंबा के कुछ प्रमुख मेलों की। तो मिंजर मेला, मणिमहेश यात्रा भी चंबा से संबंधित है और ये राज्य स्तरीय यात्रा है यानी कि राज्य स्तरीय है। ये सूही मेला जो अप्रैल महीने में लगाया जाता है, फूल यात्रा अक्टूबर में पांगी किलाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। नवाला त्यौहार भी आपको पता गद्दी जनजाति से संबंधित है जो कि चंबा में मनाया जाता है। शतराड़ी यात्रा जो कि सितंबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। ये सारे चंबा के कुछ प्रमुख मेले और आयोजन हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो चंबा, कुंजू और चंचलो, रंजू फुलमू, भुक्कू गद्दी किस जिले के प्रसिद्ध लोकगीत हैं। तो ये चंबा के। इसके अलावा देखिए सुनहरी गीत और लच्छी भी चंबा के क्या हैं, लोकगीत। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है कुंजू और चंचलो। नेक्स्ट है कि भटियाती, चुराही और पंगवाली भाषाएं किस जिले में बोली जाती हैं। तो ये कहाँ पर बोली जाती हैं, तो चंबा में। चंबा में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो सरोल में। किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो चंबा की सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हमीरपुर की। हमीरपुर की कितनी थी साक्षरता दर, तो 99.01%। अगर मैं चंबा की बात करूँ तो 73.19% साक्षरता दर है चंबा जिले की। देखिए हम सेंसिस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो आपको टिप्स पर होने चाहिए, उनसे बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आगे है कि किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी कि ST संख्या निवास करती है। तो कहाँ, चंबा में। सबसे कम ऊना में। चंबा जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या भी निवास करती है, ये भी आप याद रखेंगे। सर्वाधिक सिख जनसंख्या की बात करें तो जब हमने ऊना पढ़ा था तो ऊना के अंतर्गत उस क्वेश्चन को हमने हल किया था कि ऊना में सर्वाधिक सिख जनसंख्या निवास करती है और मुस्लिम चंबा में। सेन नृत्य जो कि धार्मिक लोक नृत्य है, इसका संबंध किस जिले से है, तो चंबा से। देखिए मैंने ऐसा क्यों मेंशन कर रखा कि धार्मिक लोक नृत्य, क्योंकि एक बार देखिए किसी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है कि सेन नृत्य किस तरह का नृत्य है, किस प्रकार का लोक नृत्य है, यानी कि वहाँ पर ऑप्शन होते हैं आपको वीर लोक नृत्य, धार्मिक लोक नृत्य, तो इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो धार्मिक लोक नृत्य सेन और जो चंबा से इसका संबंध है। हिमाचल प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्रफल किस जिले में सर्वाधिक है, तो चंबा में। कितना है, 2436 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है कि हिमाचल के किस जिले की रुमाल कला विश्व प्रसिद्ध है, तो चंबा की। नेक्स्ट है कि मुक्तसर तारीख ए रियासत चंबा किताब के लेखक कौन है, तो ग्रीव खान। देखिए चप्पल और रुमाल कला चंबा की विश्व प्रसिद्ध है। अब प्रमुख मंदिरों की बात करते हैं, तो 84 मंदिर जो कि भरमौर में स्थित है और भरमौर को प्राचीन समय में ब्रह्मापुर के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि 6 मंदिरों का समूह है, शक्ति देवी मंदिर जो कि शतराड़ी में स्थित है। तो ये सारे मंदिर स्थित हैं चंबा में। चंबा जिले में सर्वाधिक भेड़ें और बकरियाँ भी पाई जाती हैं, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हरिराय मंदिर जो कि लक्ष्मण बर्मन ने बनवाया था, बंसी गोपाल मंदिर जो कि बलभद्र बर्मन ने बनाया था, वो भी चंबा में स्थित है। अब एक नोट डाल रखा कि भरमौर का लक्षणा देवी मंदिर और शतराड़ी का शक्ति देवी मंदिर का निर्माण बंद शत शैली के अनुसार किया गया है। बंद शत शैली हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन शैली है। आपको पता कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे कि कौन सा मंदिर किस शैली में बनाया गया है, इसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए जब मैंने आपको हमीरपुर जा ऊना डिस्ट्रिक्ट करवाया था उसमें भी हमने कुछ मंदिर डिस्कस किए थे, तो वो किस शैली में बने वो मैंने आपको नहीं बताए थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि लक्षणा देवी मंदिर और शतराड़ी जो
का शिव शक्ति देवी मंदिर है वो बंद शत शैली के अनुसार बनाया गया है, और बंद शत शैली हिमाचल की सबसे प्राचीन शैली है। अब बात करते हैं चिंतपूर्णी मंदिर की, जो कि ऊना जिला में स्थित है। नैना देवी मंदिर जो कि बिलासपुर जिला में स्थित है, जे किस शैली में इनका निर्माण किया गया, तो गुबंदाकार शैली में। इसके अलावा नर्वदेश्वर मंदिर जो कि सुजानपुर टिहरा में स्थित है, और आपको पता होना चाहिए कि नर्वदेश्वर मंदिर का जो निर्माण वो संसार चंद के द्वारा करवाया गया था, तो ये समतल शैली में बनाया गया है। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो कि चंबा में स्थित हैं। हड़सर परियोजना, हिब्रा परियोजना और सेली परियोजना। इसके अलावा चमेरा परियोजना भी चंबा में स्थित है। सेली परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, चिनाब, जी आप याद रखेंगे। इसके अलावा हड़सर, हिब्रा, राबी नदी पर ये जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। अब देखिए, जल विद्युत परियोजनाओं से एक और प्रश्न याद आया जो कि बिलासपुर से रिलेटेड है, वो मैं आप शायद आपके साथ मैंने डिस्कस नहीं किया था। कोल डैम परियोजना, देखिए कोल डैम परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है, बिलासपुर में स्थित है। कोल डैम से देखिए क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं कि उसकी क्षमता कितनी, तो 800 मेगावाट। किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो NTPC के द्वारा, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उसके निर्माण में किस देश ने सहयोग दिया है अपना, तो रूस ने, वो भी आप याद रखेंगे। देखिए चंबा घाटी को किस नाम से जाना जाता है, तो रावी घाटी भी कहा जाता है, और रावी घाटी को दूध और शहद की घाटी भी कहा जाता है। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निक्का कौन था, तो निक्का चंबा रियासत में एक प्रसिद्ध चित्रकार था। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा और बड़ा खड़ा नामक चोटियां स्थित है, तो चंबा में। पीर पंजाल चोटी किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है, तो चंबा की 5972 मीटर। जिस जिले की भी जो सबसे बड़ी चोटी रहती है उसकी आपको ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। काला टोप जो कि खजियार में स्थित है। जे वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो चंबा में। इसके अलावा चंबा में और कौन से वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो गांगुल, कुगटी, तुंडाह और सेंचुतुआ नाला। देखिए इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंचुतुआ नाला और गांगुल। वैसे आपको कुगटी और तुंडा, देखिए पूछा कुछ भी जा सकता है, परंतु जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको भूलने नहीं चाहिए। नेक्स्ट है कि साच दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, यानी कि साच पास, तो ये जोड़ता है चंबा और पांगी को। बसोदन दर्रा वो भी चंबा में स्थित है, वो किस किस को जोड़ता है, तो चंबा व भटियात को। अब बात करते हैं झीलें जो कि चंबा में स्थित हैं, तो गढ़ासुरु, महाकाली, चमेरा, खजियार और लामा झील। लामा झील सात जिलों का समूह है, वो भी आप याद रखेंगे। लामा झील से एक और प्रश्न बन सकता है कि चंबा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो लामा झील। चमेरा झील जो है वो हिमाचल की नहीं, चंबा की क्या है, कृत्रिम झील। तो हिमाचल की वो कृत्रिम ही हुई, परंतु वो हम चंबा की बात करें तो चंबा में चमेरा जो झील है वो कृत्रिम झील है। किस झील को सात झीलों का समूह कहा जाता है, तो लामा झील। इसकी आपको ऊंचाई भी याद होनी चाहिए, 3962 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, या मिनी स्विट्जरलैंड, तो खजियार को। अजीत सिंह मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो पंचपुला, डलहौजी में। किलाड़ किसका मुख्यालय है, तो पांगी का। बकलोह सैनिक छावनी स्थित है, तो चंबा में। गुग्गा शिल्पी किस शासक का प्रसिद्ध शिल्पी था, तो गुग्गा शिल्पी मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए जितने भी चंबा डिस्ट्रिक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सारे हमने डिस्कस किए।